पापा कॉलेज जाना है तो उन्होंने बोला कि आपको फीस नहीं मिलेगी, अगर तुम काम करने गई तो मैं जहर खा लूंगा, आपको जैसा ठीक लगता है आप प्लीज वो कीजिए, पर मुझे कॉलेज जाना है। नमस्कार, मेरा नाम रुचि जायसवाल है और मैं 26 साल की हूँ और मैं अभी के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ एज अ रिटेल एसोसिएट। मेरा बचपन चंडीगढ़ के एक बहुत ही मशहूर स्लम एरिया बापूधाम में गुजरा है और मेरे फादर एक मामूली से दुकानदार हैं। तो जब मैं अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाती थी, जब उनके पेरेंट्स पूछते थे कि बेटा आप कहाँ रहते हो और मैं बोलती थी मैं बापूधाम से, तो उनका देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल जाता था। 10th की पढ़ाई खत्म होते ही घर में शादी की बात चलनी शुरू हो गई मेरी बड़ी सिस्टर की। उस टाइम मन में एक ऐसा डर था, पता नहीं वो अपने लिए या अपनी सिस्टर के लिए। इसी डर ने फादर से ऐसी रिक्वेस्ट कराई कि प्लस टू तक तो पढ़ने दो। फादर उसके लिए मान गए। मन में एक जरूर बात थी कि गरीब तो मैं पैदा हुई हूँ पर मुझे गरीब मरना नहीं है। बगावत इससे पहले भी हो चुकी थी जब मेरे सिलेक्शन नेशनल के लिए पहली बार हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने कभी मुझे इस चीज के लिए रोका नहीं और इस वजह से मैं 5 दफा नेशनल चैंपियन रही। जब घर पे बात की कि अभी कॉलेज जाना है तो फिर उनका रिएक्शन था ऐसे कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, और हमारे फैमिली में ऐसे मतलब इससे पहले लड़कियां कॉलेज नहीं गए, और वो इतनी ज्यादा घुटन महसूस करवाने लगे थे कि जैसे पता नहीं मैंने क्या गलत बोल दिया या फिर मैंने क्या गलत मांग लिया। तो जब वो उनसे 2-3 दिन ऐसे रिक्वेस्टें चलती रही कि पापा कॉलेज जाना है तो उन्होंने बोला कि आपको फीस नहीं मिलेगी, तो उस टाइम भी दिमाग में आया कि ठीक है फीस ही तो नहीं मिलेगा, चलो नौकरी ढूंढते हैं और फीस कमाते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक कॉल सेंटर में मैंने 4500 की नौकरी ढूंढी और उसके बाद जो उनका रिएक्शन था कि अगर तुम काम करने गई तो मैं जहर खा लूंगा। कहीं ना कहीं उनको ऐसे सोसाइटी का ऐसा डर था जिसकी वजह से शायद वो ये बात उनके दिमाग में थी। यही सोचते हुए एक प्लस टू की बच्ची ने उन्हें बोला कि आपको जो करना है आपको जैसा ठीक लगता है आप प्लीज वो कीजिए, पर मुझे कॉलेज जाना है। उस टाइम पे मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या हुआ, पर हाँ मैं ये बोलूंगी कि मेरी मदर उस टाइम मेरी बैकबोन बन के ऐसे खड़ी हुई, उन्होंने एनी हाउ फादर को कन्विंस कर लिया जब मैं और मेरी सिस्टर से अपने कॉलेज टाइम के सेकंड ईयर में थे और मेरे घर का सिचुएशन थोड़ा ऐसा खराब हुआ कि मेरे फादर और मेरे मदर की ज्वेलरी बेचनी पड़ी उस टाइम पे। वो एक ऐसा वक्त था जो कहते हैं ना कि जीवन का असली आईना दिखाता है। मैंने, मेरी सिस्टर ने और मेरे भाई ने इतने हार्ड वर्क किया कि अपने 9-9 घंटे के शिफ्ट को 12-12 घंटे के शिफ्ट में कन्वर्ट किया और फाइनली 2019 में घर लेने का सपना पूरा हो गया। मुझे कहीं से पता लगा कि यहाँ पे मुंबई में US के लिए इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यू पे जाने से पहले मैंने अपनी इंग्लिश पे इतना काम किया ताकि मैं एक भी कोई मौका ना दूं कि वो मेरे से चांस मिस हो, और मैं फिर से उस जॉब के लिए भी सिलेक्ट हो गई और 2019 में मैं पहली बार US गई। अगर आप गरीब पैदा हुए तो ठीक है वो आपकी किस्मत थी, पर किस्मत हमेशा बदली जा सकती है। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।